आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर रायगढ़ पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट से निकलकर एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने निकले। तो बता दें कि रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने महतारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भी शुभारंभ किया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय रामायण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने महतारी कार्यक्रम का मूर्ति का अनावरण भी किया। सीएम भूपेश बघेल ने रामायण कार्यक्रम का महोत्सव का शुभारंभ किया, वहीं उन्होंने महतारी के कार्यक्रम का अनावरण, मूर्ति का भी अनावरण किया। आपको बता दें कि रायगढ़ वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़ेंगे। रजनीश, रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहाँ उन्होंने रामायण महोत्सव का शुभारंभ किया, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रायगढ़ में जो है पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर रायगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में हिस्सा लेना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ पहुंचे। सबसे पहले वे कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का उद्घाटन किया, अनावरण किया। इसके बाद वह जो है पारंपरिक वेशभूषा धारण कर रामायण महोत्सव के शुभारंभ पर पहुंचे। रजनीश, मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से मंत्री वहां पर मौजूद रहे? कैबिनेट मंत्री के अलावा वहां नंद कुमार शाह भी उपस्थित थे और वहां के विधायक उपस्थित थे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आबकारी विभाग और उद्योग मंत्री कवासी लखमा हेलीपैड से नेताओं के साथ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेस के नेताओं द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि पहले दिन मंत्री कवासी लखमा गोंडवाना सामाजिक भवन मूसलापुर चौक पहुंचे और भवन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रायपुर के ललित महल में संपन्न हुआ, जहां छत्तीसगढ़ से 4300 सर्कल स्तरीय पदाधिकारियों को राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का यह दूसरा शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें 4300 नव नियुक्त सर्कल के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। वहीं शपथ समारोह में सभी को नियुक्ति पत्र, पोस्टर, झंडे के साथ अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के गाड़ाघाट शराब दुकान में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में शराब दुकान के सामने पोस्टर चिपकाकर प्रदेश में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि शराब दुकान में दो प्रकार के शराब का वितरण की जा रही है, जिसमें एक बोतल में सरकारी स्टीकर लगा होता है तो दूसरे बोतल में नहीं लगा होता है। यही वजह रही कि ईडी के माध्यम से 2000 करोड़ के शराब घोटाले का उजागर हुआ, और इसी तरह जांच चलती रही तो और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में सीजीपीएससी में हुए अनियमितता को लेकर सरगुजा कलेक्ट्रेट कार्यालय का भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा घेराव किया गया। इस दौरान आंदोलनकारियों की भीड़ को अलग अलग करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में हुए अनियमितता सहित अधिकारियों के बच्चों के हुए सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़ा किया है। अभी जो वर्तमान में पीएससी की नियुक्तियां हैं उन पे इनका आरोप है कि मतलब नेतागिरी या अफसरों के बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, तो इसको लेकर इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन आज किया गया था। धरना प्रदर्शन में कुल लगभग एक घंटे के आसपास इनके द्वारा धरना दिया गया और रैली का रूप लेते हुए यहाँ पर कलेक्टर घेराव का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कलेक्ट्रेट विजय दयाराम की अध्यक्षता में जिला अस्पताल के जीवन दीप समिति की कार्यकारिणी बैठक महारानी अस्पताल के सभाकक्ष में की गई, जहां कलेक्ट्रेट विजय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या में कमी लाई जाए, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं को भी सशक्त किया जाए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रार्थी मुराहा कश्यप और लेबोराम नेताम के द्वारा थाना बणांजी अपने में दो नाबालिग लड़कियों की गुम होने की सूचना दर्ज कराई, जिस पर थाना प्रभारी बणांजी के द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए साइबर तकनीकी और बणांजी पुलिस द्वारा लगातार तलाश की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर माटी लोक सांस्कृतिक मंच नई उड़ान का 30 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जहां जगतू महारा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में नई उड़ान समर कैंप के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में बस्तर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के साथ महापौर नगर निगम साफिरा साहू ने बस्तर माटी लोक सांस्कृतिक संस्था के कार्यों की सराहना की। अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो संस्था है बस्तर माटी, ये सांस्कृतिक साहित्यिक क्षेत्र में लगातार अपने जीवन को समर्पण करते हुए बहुत ही सराहनीय काम इस संस्था के सभी सामान्य जनों द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस और साइबर सेल के नेतृत्व में टीम गठित कर गुम मोबाइल के पता लगाने के लिए टेक बैक योर प्रॉपर्टी नाम विशेष अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत साइबर सेल द्वारा 100 से अधिक गुम मोबाइल को अलग अलग जगहों से बरामद किया गया है। साथ ही बरामद मोबाइल को शौर्य भवन स्थित पुलिस ऑडिटोरियम में संबंधित मोबाइल धारकों को बुलाकर 117 नग मोबाइल को उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के साथ नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के द्वारा संबंधित मोबाइल स्वामियों को सपुर्दनामे पर दिए गए हैं। टेक बैक योर प्रॉपर्टी कार्यक्रम के तहत बस्तर पुलिस ने आज लगभग 100 व्यक्तियों के मोबाइल रिटर्न करने का कार्यक्रम रखा था पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में, और हमने लगभग 100 चेहरों पर मुस्कान लेके आए। कोशिश हमारी यही है कि जिन भी व्यक्तियों के मोबाइल किसी भी स्थान से गुम हो गए या कहीं गिर गए या भूल गए या किसी व्यक्ति ने उठा लिया, तो उसकी जानकारी तत्काल साइबर सेल को थाना संबंधित थाने के माध्यम से शीघ्र मिलने पर हमारी साइबर सेल ने लगातार प्रयास किया और लगभग 100 मोबाइल को ढूंढा और ढूंढ के आज उनके जो वैध मोबाइल धारक उनको रिटर्न। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा फ़ोन मिल गया है। पहले तो मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डेटास और मेरे क्लासेज ये सारे स्टॉप हो गई थी मेरे फ़ोन खो जाने से। तो मैं बस्तर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे भी आपका जो भी चीज़ घूमता है आप प्लीज़ एक बार यहाँ पर रिपोर्ट जरूर ले।
लेकिन एक साल के बाद ही क्यों नहीं हमें ये चीज़ वापस मिल गई है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आभार है। मैं बस्तर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि मेरा गुम हुआ मोबाइल सही हालत में सही कंडीशन में मिला है। ये मेरा मोबाइल 11 महीने के बाद आ गया, इसके लिए मैं बस्तर पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ, बस्तर पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के नेशनल हाईवे 53 भगत देवरी के पास 3 ट्रकों में आग लग गई और आग लगने से 3 ट्रक जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि सरायपाली की ओर से रायपुर की ओर जा रही ट्रक खराब खड़ी ट्रक से टकरा गई और टैंकर वाहन के पीछे चल रही ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड्डी में नाबालिग की चाकू से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड्डी में बीती रात नाबालिग को किसी अज्ञात युवक के द्वारा चाकू मारकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और नाबालिग को प्राथमिक उपचार के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, जहाँ हालत बिगड़ता देख डॉक्टरों ने नाबालिग को रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं नाबालिग की हत्या करने वाला आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मैं मयंक का चाचा। ये बताइए क्या घटनाक्रम हुआ था, पूरा चीज बताइए। घटनाक्रम में सर हम लोग का गांव में ही शादी था, 29 तारीख को बारात था, तो बारात में ही लड़के लोग गए हुए थे और इसी बीच रात में ये लोग हम लोग को सूचना मिलने के आधार से रात में ही लगभग मैच देख रहे थे। हम लोग तो उसी समय कोई फ़ोन करके बताया कि आपके मयंक को कोई चाकू मार दिया है, यहाँ पर है उस जगह पे हम लोग गए, उसको खोजबीन किए वहाँ पे, तो खेत में ही हमको मिला। लेकिन उसके साथ में एक लड़की भी मिली जिसका नाम मुक्ति है और वो मुक्ति बतौली ग्राम की है, जो जमीरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। थाना धौरपुर अंतर्गत जो बर्डी का एक प्रार्थी है, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उनका जो भतीजा है जो नाबालिग है, उसकी धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई है। ऐसी सूचना आने पर तत्काल जो धौरपुर के हमारे प्रभारी हैं उसके नेतृत्व में, साथ ही SDOP के नेतृत्व में टीम, विशेष टीम बनाई गई है और वे घटनास्थल भी गए हैं और जो मृतक है उसकी जो मौत है मिशन हॉस्पिटल में आकर यहाँ पर हुई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, जहां पुलिस ने CCTV के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत केनावा बांध स्थित कांग्रेस नेता अरविंद गुप्ता के मकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर शहर के केना बांध निवासी कांग्रेसी नेता अपनी पत्नी के इलाज कराने के लिए रायपुर गए हुए थे, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने खाली मकान से लाखों रुपए की चोरी कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस, अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। थाना कोतवाली अंतर्गत केना बांध में अरविंद गुप्ता जो है कांग्रेस प्रतिनिधि है, उनके यहाँ चोरी की वारदात आज रात्रि को हुई है। पुलिस टीम मौके पर पहुँच गई थी और स्पेशल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया है। प्रथम दृष्टि में अभी ये बात सामने आई है कि अरविंद गुप्ता जो है वो रायपुर में पिछले कुछ 1.5 साल से शिफ्ट हो गए थे और उनका घर जो है देख के लिए एक अपने रिश्तेदार को रखे हुए थे। अभी घटना दिनांक को 3-4 दिन से घर खाली था और सुना मकान का फ़ायदा उठाकर मुझे लगता है कि अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या चोरी हुआ है इस संबंध में अभी वो क्योंकि रायपुर से आ रहे हैं तो उस संबंध में अभी कोई क्लियर जानकारी नहीं दे पाए हैं। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।